हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। राजपूत करणी सेना के संरक्षक लोकेंद्र सिंह कालवी ने कहा कि राजपूत समाज भारतीय जनता पार्टी का गुलामी की हद तक समर्थक है। उन्होंने कहा कि समाज हित के कोई भी काम करते हैं, इसके बाद यदि कोई हमें गुंडा कहे तो हम 7 बार गुंडा होना चाहेंगे। कालवी ने कहा कि हमने 23 सितंबर 2018 को चित्तौड़गढ़ में सभा की थी, उसमें महिलाओं ने 5 घंटे तक बरसात में डटकर समाज हित का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि SC ST एक्ट में पुनः बदलाव, आरक्षण की समीक्षा और पद्मावती मामले की तरह आगे किसी फिल्म को लेकर कोई विवाद नहीं हो, इसके लिए केंद्र सरकार को चाहिए कि एक स्क्रीनिंग कमेटी बने। पिंक सिटी प्रेस क्लब के पास होटल नारायण निवास में पत्रकारों से बात करते हुए कालवी ने कहा कि दलितों पर अत्याचार को लेकर तुरंत गिरफ्तारी के लिए बने कानून पर राष्ट्रपति ने साइन किए हैं, लेकिन यह कानून ही गलत है, इसलिए केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि इस कानून को बदले और कानून बदलने के बाद फिर से राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाएंगे। राजपूत समाज के बड़े नेता माने जाने वाले कालवी ने कहा कि हम चाहते हैं कि SC ST एक्ट को दलित नेता और UP की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के बनाए हुए 2007 के कानून अनुसार बनाया जाए, जिसे किसी को भी बिना जांच के गिरफ्तार नहीं किया जा सके। राजपूत नेता कालवी ने कहा कि केंद्र सरकार को चाहिए कि वह SC ST एक्ट को विड्रॉ करे। उन्होंने सभी पार्टियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि आरक्षण देश को दीमक की तरह चाट रहा है और इसको पार्टियों ने भूत की तरह बना दिया है। उन्होंने राजस्थान सरकार से मांग करते हुए कहा कि आनंद पाल एनकाउंटर मामले के बाद हुए उपद्रव में 12,000 लोगों पर जो मुकदमा दर्ज किया गया था उसको तुरंत प्रभाव से हटाएं। जयपुर से जागरूक TV की रिपोर्ट।